बाकी का थोड़ा सा CUQP 03 पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फीडबैक रिव्यू देख लेते हैं। तो क्लास कितने लोगों का CUQP 3 का पेपर था? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट द नेम्स, जस्ट रेज योर हैंड। अरे बाप रे, अब थोक भाव में लोग पेपर दिए CUQP 03 का। अच्छा, तो स्टार्टिंग विद दिया, जस्ट रेज, कीप योर हैंड रेज क्लास। हाँ यस दिया, कहाँ की दिया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिया। हाँ, तो कैसा रहा पेपर, कितना अटेम्प्ट किए हो? सर मैंने 76 अटेम्प्ट किए थे। सर अच्छा, पेपर कैसा आया था, कुछ बताना चाहोगी मुझे? मुझे बताओ पेपर के बारे में, क्या समझो? पेपर ठीक आया था, वही मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब जैसे पिछले साल से इजी लगा। पिछले साल वाला मैंने प्रीवियस ईयर दिया था एक बार, बाकी बहुत इजी भी नहीं था। इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन मुझे ठीक लगा, और बाकी सर यही था बुक्स वगैरह में, और जो कुछ चीजें थी जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी, मैथ्स खासकर 12th वाली, कुछ मैं क्वेश्चन। पूछना चाह रहा था, पेपर क्या मिक्स्ड था? जैसे पुराना DU पेपर का फॉर्मेट होता था कि साइंस से कुछ क्वेश्चन है, कुछ सोशल साइंस से कुछ क्वेश्चन यस है। सर, मिक्स मिक्स ही था सर। सोशल साइंस के भी थे, साइंस के भी थे, मैथ्स भी था, रीजनिंग नहीं थी, इंग्लिश के काफी क्वेश्चंस थे क्योंकि 25 पूरे होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी था, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा हुआ था, मतलब जैसे सिचुएशन देके ऐसी चीजें। हाँ, वो तो सिचुएशन बेस्ड ही आता है कई बार। हाँ जी सर। हाँ अच्छा, मतलब ओवरऑल मिक्स था, तो जैसा डेलीबेट से मैंने हाँ सिलेबस का वो बता रखा है हिसाब किताब, ये कुछ भी पूछ सकता है, उसी तरह था। सर, कुछ भी आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। यस यस सर। स्मृति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्मृति, कैसा पेपर आपका? सर ठीक था, मुझे थोड़ा सा सर डिफिकल्ट लगा क्योंकि मेरा जीएस थोड़ा वैसे ही है ना, मतलब जीएस थोड़ा वीक सेक्शन रहता है, तो मैथ्स के तो क्वेश्चंस हो रहे थे इजीली सर। मैथ्स 11 टच करा हुआ था सर, रिलेशन फंक्शन सेट से क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ सर, थ्योरी और रिलेशन मतलब में पूछता है भाई। 11 वो तो मैंने कर लिए थे क्योंकि मैं मैथ्स से हूँ, तो वो तो मैंने कर लिए थे। बट सर टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक था, इंग्लिश से सर काफी क्वेश्चंस थे, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये था कि पार्ट ए में थोड़े बहुत आ जाएंगे, मैक्स 15, बट पूरे पार्ट ए 25 क्वेश्चन दैट वाज इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद भी टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंग्लिश के साथ कंबाइन करा हुआ था, मतलब कॉम्प्रिहेंशन था टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पूरा पार्ट बी में। तो हाँ बाकी ये तो ठीक था। जीएस सर थोड़ा था, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने किए, थोड़े थोड़े, कितना टोटल? टोटल 73 73 अटेम्प्ट किया आपने, कितना गलत किए हो? सर। गलत होंगे मैंने क्योंकि आज रिस्क लिया, काफी अच्छा अच्छे उस पर रिस्क लिया सर। अच्छा, नहीं लाइक आप अपने हिसाब से लाइक ठीक ठाक जनरल अवेयरनेस में रिस्क लिए हैं या बाकी की चीजों में? मिक्स लिया है सर, इंग्लिश में भी लिया है क्योंकि इंग्लिश में तो जैसे मतलब बंदा वही है ना, फ्लो फ्लो में कर देता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा नेगेटिव करता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में काफी रिस्क लिया आज। जनरल अवेयरनेस से तो जो जो आते थे ऑप्शंस देख के एलिमिनेट करके वही किया है, बट इंग्लिश में काफी रिस्क लिया है सर। अच्छा, कुछ क्लास वास में पढ़ना वढ़ना कुछ काम आया कि नहीं आया? जी सर, वो तो काफी ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफी काम आ रहा था, जैसे जीएस का कुछ नहीं भी पता, बट ये था कि हाँ एक चीज पता है तो उससे मैच द फॉलोइंग आए थे सर काफी, और एसर्शन रीजन भी काफी थे, 4-5 क्वेश्चन थे, तो मैथ्स भी सर एसर्शन रीजन रीजन में मिक्स करके पूछा हुआ है, मतलब जैसे एकदम मतलब ठीक था पेपर का लेवल, इतना इजी भी नहीं था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। बाकी चलिए फेयर ना। क्लासेस ने ना काफी हेल्प करा ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करने में, जैसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं भी याद आ रहा तो बंदा जा सकता है कि आंसर तक ऑप्शन, तो काफी हेल्पफुल था चलिए सर। ठीक है। सर एक बात पूछनी है, जैसे पार्ट ए पूरा इंग्लिश था तो ऐसे बाकी जो हमारा 07 और वो सब, वो भी ऐसा ही होने वाला है क्या? देखो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कर दें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात भी नहीं है। जी सर, वो मतलब मुझे था कि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, रीजनिंग का पार्ट ए में कुछ दो तीन हाँ, पार्ट्स तो ऐसा हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है? थे सर, बच्चे बहुत थे सर, जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बच्चे थे, मतलब इतने बच्चे पेपर देने आए थे, मुझे तो लगा था सारे बच्चों को हमारे सेंटर में ही डाल दिए। नहीं, तो तुम बहुत ज्यादा फिर एग्जाम देने नहीं गई हो। नहीं मैंने मतलब एग्जाम जैसे एक दो दिए, बट मैं इतने बच्चे देखे हैं, बट सर इतना रास्ता सुबह धूप में खड़ा कर दिया पहले, इतना लाइन लगा के, मैं तो टाइम से पहुंच गई थी। खैर चार चार जगह बायोमेट्रिक होता है फिर।
बीएड के एग्जाम में इतना कुछ लगा हुआ। बताओ, वही मैं कह रही हूँ कि बीएड के लिए ना। स्टार्टिंग गेट एंट्री जो शुरू हुई 11 बजे, हम्म, और हमारा एग्जाम बिल्कुल 11 बजे हमने लाइन लगा दी थी, तब भी हमारा एग्जाम 12:30 स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, अंदर सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करने में भी इतना टाइम लग गया। तो हमसे जो पहले बच्चे आए थे उन्होंने ठीक टाइम पे स्टार्ट किया। इस बार तो ज्यादा ही रश था, शायद पहली शिफ्ट भी थी, शायद इस वजह से था या पता ये नहीं। भीड़ तो सभी शिफ्ट में उतना ही होगा। नहीं, हमसे पहले भी थी सर, बच्चे उनको भी लेट निकाला था, तो ऐसे ही चलता रहा ये। सर ये 03 था शायद, आई थिंक इसलिए बहुत ज्यादा वो था कि 03, बाकी बाकियों में इतना मतलब सब में एक्सपेक्टेड ऐसे ही नहीं, रहेगा, कपड़ा नहीं ऐसे ही रहेगा सर। सब में। मतलब मैं तो सर पहुंच गई थी, तो मेरा पेपर तो अब गरीब 12, बेरोजगार घूम रहे हैं भारत में अभी। सर मेरा पेपर शुरू हो गया था एकदम टाइम पे पूरा। सर इस बार ये अच्छा था कि जैसे ना सबका पेपर जितने से टाइमर स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर में, तो सबको प्रॉपर 2 घंटे मिले, बट लास्ट में ये था कि डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, जिन बच्चों का खत्म हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम लेके भी कोई फायदा होता नहीं है इतना, मुझे लगता है इसलिए। फेयर इनफ। कोई डेली वेट्स का मिला था? नहीं सर मुझे नहीं मिला कोई, मैं तो सच में ढूंढ रही थी, मुझे कोई नहीं मिला। हाउ सैड। सर मिले थे, हमारे शिफ्ट में तो थे 3-4 बच्चे थे, अच्छा, दिया को मिले थे। वहां पर आधा सेंटर इनका हमारा नोएडा सेक्टर 64। 64 ही था सर मेरा भी। एकता एकता दिखी थी सर, कृषिका थी, हर्षिता लक्ष्मी थी। सर मैं तो सोच रही हूँ आईपी के पेपर में ना डेली वाइज की टी शर्ट पहन के चली जाऊंगी। क्लियर रहेगा हाँ ये। चलिए ठीक है। यस नीरज, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीरज, कितना अटेम्प्ट किया था? अच्छा, सर मैंने तो 66 किए, मतलब ओके। एक बार में तो मैं 55 तक पहुंच गया था, और फिर पहुंचा 66 तक, मतलब उसके बाद रिस्क नहीं लिया फिर मैंने। बाकी गलतियां जो लग रही है, मैं भी मौत के हिसाब से ही चल रहा हूँ, मैं 20% के हिसाब से ही। परफॉर्मेंस सर अच्छा नहीं है आपका, यस सर। और आईपी में भी आप ऑलमोस्ट उतना ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू नीड टू लाइक थोड़ा सा पॉलिश दैट। हाँ, बढ़ाने पड़ेंगे। पेपर बाकी पेपर ऊपर कैसा दिख रहा था? ठीक, मुझे तो लेवल का ही लगा सर जी, साइंस में मैथ्स में भी 11th तक का छू रखा था सब, मतलब लगा नहीं था कि 11th का पूछेंगे। अच्छा, ठीक है, अच्छा ओके, चलिए फेयर एनफ। यस अमनदीप, सर कैसा था पेपर? मतलब ठीक था, मतलब इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब 30-35, मतलब पहले 25 मुझे भी यही लगा था, बट फिर मैंने बाद में देखा ना तो ऊपर सेक्शन ए में जो इंग्लिश वाला लिखा हुआ था, इंग्लिश ओनली, मुझे फिर वही लगा कि शायद वही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है, तो इंग्लिश तो भर भर के थी, तो वो तो आएंगे इसमें ऑलमोस्ट 35 जो पहले 25 थे, और उसके बाद दो टीचिंग एप्टी के भी दो पैराग्राफ टाइप ही दिए, तो 35 में से आई थिंक मैंने दो छोड़े हैं वहाँ पे। बाकी सर ऐसे कुछ मुश्किल नहीं था, बस जीएस है जो मेरी छूटी है वो भी ज्यादा, कितना कितना बाकी अटेम्प्ट किए होगे? 77 किए थे, 77 अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा, 23 जो बचे हैं उसमें से आई थिंक 15 से 17 तो जीएस के ही हैं, मतलब उसमें डेट्स वगैरह वो मैं आपसे पूछ रहा था ना अभी, डेट्स थे, बुक्स थी, और वो सेंटर्स वगैरह थे, तो वही 77 दिक्कत। में कितना ऐसा है जो आपने एकदम, मतलब आप मान गए, जैसे स्मृति ने कहा कि सर हम तो जनरल इंग्लिश वाले में थोड़ा गेस कॉल लिए हैं, तो लाइक उस तरह से आपने कितने सब्जेक्ट में गेस कॉल लिया है? गैस मैंने वैसे कुछ ज्यादा ऐसा सोचा नहीं, मतलब यहाँ तो मैं फर्स्ट वो में जितने थे उतने किए, मतलब ऐसे मान लो कि 77 है ना, तो 12 से 15 कुछ गलत हो सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम सिलेक्शन की। मतलब मैक्सिमम अगर लेके चलो तो मतलब पूरा वो ही राउंड ऑफ कर दो तो 17 ही मान लो अगर गलत हो जाते हैं। अभी तो 77 है, तो राउंड ऑफ करके 70 घटा दीजिए, और इस तरह से नहीं होता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। ठीक है ये, मतलब हाँ। मैं इतना मान रहा हूँ। इतना होगा, इतना हो जाएगा, इतना गलत हो जाता है। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। हाँ देन कमिंग टू सौरव। सौरव सौरव कुमार,
अच्छा आपकी वॉइस नहीं आ रही। कृषिका गुड यस सर, गुड इवनिंग. इवनिंग। कृषिका हाउ आर यू? साइंस सर, आपको कितने बहुत याद करा पूरे पेपर में एक ही लाइन से कि मैं इतना करवा दूंगा पर तुम नहीं कर पाओगे. तो कितना अटेम्प्ट की, क्या हुआ, कैसा रहा? सर 74 करे थे और 8-10 की गलती लग रही है, बाकी पता नहीं. रिस्क लिया था आज के पेपर में क्योंकि आईपी मेन था, ये तो मैंने ऐसे ही दिया था तो मैंने कहा एक रिस्क लिया. अच्छा ऐसे बस रिस्क लिया था, ऐसे आईपीएस लिए। नहीं रिस्क इन सेंस ठीक है, पेपर मतलब जैसे रीजनिंग का मुझे था कि एक्सपेक्टेड कि आएगा क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी थी तो मेरे को लगा रीजनिंग था, बट एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा. और मेरे पास मैथ्स थी 11th में और मैथ्स को भी टच कर रखा था, मतलब बहुत हद तक जैसे रॉल्स थ्योरम वगैरह आई हुई थी तो ये चीज लगा. जीएस में ये था कि एलिमिनेशन मतलब हेल्प आउट करी थी कि कुछ पढ़ा हुआ था तो कुछ मतलब देखने में हेल्प हुआ. और इंग्लिश बहुत ज्यादा थी मतलब मेरे हिसाब से, बाकी ठीक है 8-10 गलती अगर हम देखते हैं तो 74 मैंने अटेम्प्ट किया. अच्छा 74 अटेम्प्ट की, चलो ठीक है फेयर इनफ। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को ऐसे रिकमेंड करूंगा, देखो यार जब पढ़ाई करते हो ना तो पेपर में ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश का सेक्शन है ज्यादा दिख रहा है, अब सीयूईटी वाले सोचो इतने बड़े वाले हैं कि कॉमर्स के बच्चे का सिलेक्शन CUQP 03 से करेंगे, होम साइंस के बच्चे का CUQP 03 से करेंगे, उर्दू पंजाबी के बच्चे का CUQP 03 से करेंगे। अब मतलब क्या कहें हम, CUET ने भाई मतलब क्या जितनी गालियां दी जाए कम है। ये बताओ जो सोशल साइंस का बच्चा है वो CUQP 4 देगा, जो साइंस का बच्चा है वो 6 या 7 जो भी है वो देगा, उसी तरह जो लैंग्वेज का है 5 देगा। अभी तो कॉमर्स वाले को तुम 03 क्यों दिलवा रहे हो? कॉमर्स वाले जो तुम ये कह रहे हो कि साइंस भी देगा, सोशल साइंस भी देगा, इंग्लिश भी देगा, तो पैटागॉजी वाइज भी जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही डिस्प्यूटेबल रहा है। तो पेपर में भी ये सब जब हो रहा है ना सेक्शन वाइज इंग्लिश ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। ठीक है तो ये सब रहेगा और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए एज फार एज मैं समझ पा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है कृषिका। यस सौरभ सर आपने बोला था ना कंप्यूटर को पैर मार के देख लेना, इतना टाइम ही नहीं मिला, इतनी चेकिंग थी, इतनी चेकिंग थी, उसको लात मारने का. ठीक है चलिए ठीक है फेयर एनफ। हाँ ये सौरभ गुड गुड इवनिंग सर. इवनिंग सौरभ। हाँ कितना अटेम्प्ट किया सौरभ, कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो एवरेज था, ठीक था, अच्छा भी था, बुरा भी था, दोनों था मेरे लिए. सर आई गेस मुझे जहाँ तक याद है मैंने 76 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट किए थे. एंड मोमेंट पर आके सर मैं 76 पहुंच गया था क्योंकि बीच मैंने छोड़ दिया थोड़े से, बट क्लोज कॉल ली सर मैंने भी लास्ट में, वो कहूंगा मैंने थोड़ा सा कि रिस्क ले लो, चलो ट्राई करना है तो कर ही लेते हैं, तो लास्ट में सर थोड़े बहुत डाइस खेल लिए थे. क्या नहीं 76 था तो डिसेंट अटेम्प्ट है। जिन जो लोग भी 70 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपका कुल मिला जुला के 58 से 60 तक सही बैठ रहा है नेट पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है पूरा पूरा। ठीक है यस सर. जिनका भी सर 60 वही ऊपर मैंने अटेम्प्ट सही बैठ रहा। हाँ सर वही मैंने लास्ट में अटेम्प्ट कर लिए थे. मैं टाइम बच रहा था सर, इवेलुएट किया और जहाँ जो छोड़ रखा था मैंने 2-3 बार वापस से चेक किया कि हाँ क्यों कैसे छूट रहा है, क्या दिक्कत हो रही है उसमें, तो मैंने उसको वापस से भी ठीक करने की कोशिश. सर जैसे आपने कहा था कि कंप्यूटर को चेक करें, मैंने किया था प्रॉपर तरीके से, जाते ही वही काम कर देता हूँ. पहले गलती से पैर लग गया और माउस तो खेलने लग गया था, मैं कोई कोई था नहीं आसपास मेरे तो माउस उठा रहा इधर उधर कर रहा था मैं बैठ का. बस बस सही है। हाँ कोई आप में से ऐसा है जो हिंदी मीडियम का था जिसने CUQP 03 को पेपर दिया हो? आइए सर सर मैं क्या हिंदी बोला मीडियम. आपने? कोई हिंदी मीडियम का था जो CUQP 03 का पेपर दिया हो इसने? नो सर यस प्लीज, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं यस प्लीज स्विच ऑन योर माइक। यस सर मैंने हिंदी मीडियम से दिया यस था। सर गीता आपने हिंदी मीडियम से दिया था, तो आप क्या पहला 25 क्वेश्चन हिंदी का था? यस सर पहले जो पहले 25 क्वेश्चन थे हिंदी मीडियम में से ही थे और हिंदी के पैराग्राफ थे तो हाँ अच्छे थे, लेकिन उसमें भी 25 में से 23 क्वेश्चन तो बड़ी इजीली उसमें से सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन पैराग्राफ में पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आए थे. और अच्छा अच्छा आगे जो एक सेकंड गीता मैं आप पर आ रहा हूँ। स्मृति नीरज अमनदीप आप लोगों ने जब पेपर दिया था तो आप लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे पेपर देख रही थी
तो उसी क्वेश्चन का हिंदी में भी ट्रांसलेशन रहा होगा। किया था ये मैंने, मतलब जो पहले 25 वाले थे ना उसे नहीं कर पा रहे थे ट्रांसलेट, जो बाकी के जो मैंने बोला ना 10 दो पैराग्राफ और थे बी सेक्शन में वो ट्रांसलेट हो पा रहे थे हिंदी में भी। पहला 25 वाला छोड़ के बाकी का सारा इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा था, ठीक यस सर। है, तीन लोग सब बाकी लोग, ठीक है। अच्छा गीता, यस सर। आप पहला 25 क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी एक बार भी? यस सर, मैंने 3-4 बार ट्राई किया बट नहीं हुए, तो फिर हार मान के मैंने 23 क्वेश्चन फिर हिंदी में अटेम्प्ट कर लिए और 2 छोड़ दिए, उनके ट्रांसलेट तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने आगे बढ़ी तो सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, तो उसमें मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ रही थी, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आ रहा क्योंकि हमारी जो आपने टीचिंग करवाई वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कराई है, तो इंग्लिश में जाके समझा, फिर अटेम्प्ट किया, मजबूरी बन गई इंग्लिश में समझना, फिर अटेम्प्ट किया और काफी। बाकी का हिंदी इंग्लिश दोनों में शो कर रहा था, वो वाला केवल हिंदी में शो कर रहा नो सर, शो दोनों नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ना ऑप्शन क्लिक करना पड़ रहा था कि हिंदी फिर इंग्लिश, लेकिन पहला 25 केवल हिंदी में ही था। हाँ यस सर, प्रॉपर हिंदी में था। अच्छा तो ये हिंदी आप एग्जाम सेंटर में एंटर करते समय नहीं चूज की होगी, तो फॉर्म फिल करते समय चूज की होगी ना? फॉर्म फिल करते हुए मैंने चूज करी थी, हाँ। और कोई एक एक संगीता, साथ एक संगीता, कोई भी वहां ऐसा है जिसने जिसको ये लग रहा है कि वो सेंटर में घुसते समय इंग्लिश या हिंदी चूज किया था जिसके कारण इंग्लिश शो कर रहा था, फॉर्म फिल करते समय आप लोगों ने इंग्लिश चूज किया होगा इसीलिए इंग्लिश दिखा रहा था और हिंदी मीडियम वाले को हिंदी दिखा रहा था, राइट? सर, वैसे वहां पे एक ऑप्शन आया था, जैसे पेपर स्टार्ट करने से पहले एक ऑप्शन आया था कि चूज योर लैंग्वेज, अच्छा मैं उन जो वहां पे टीचर्स खड़े थे उन्होंने यही बोला था, आपने जो फॉर्म में फिल किया था ना वही करना। अच्छा 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 नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इंग्लिश का हूँ और वहां पर मैंने हिंदी चूज कर लिया तो एक्चुअली नहीं, पता है वो जो आपने फॉर्म फिल किया था ना वो आपके उसी हिसाब से दिखा रहा था पहला 25 क्वेश्चन, वो जो इंग्लिश हिंदी आप चूज कर रहे हो ना वो बाकी के पार्ट बी के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको पेपर बीच में, पेपर के बीच में भी रहता है कि आप स्विच करके देख लो, ठीक है। हाँ, यस गीता प्लीज ये फॉर्म के हिसाब से ही था, जैसे जिसने फॉर्म में जो चूज किया था ना लैंग्वेज उसी के हिसाब से ही था सर। उसी के हिसाब से था। हाँ यस 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 हाँ यस प्लीज गीता। हाँ यस सर, तो उसके बाद पार्ट बी पे आए, तो पार्ट बी में क्या हुआ कि दोनों, पहले हिंदी मेरा प्रॉपर हिंदी में ही था, लेकिन हिंदी में नहीं समझ में आती, इंग्लिश पे स्विच किया तो इंग्लिश में समझा, फिर अटेम्प्ट किया, और इसमें पैराग्राफ बेस भी क्वेश्चन थे तो अच्छा रहा मेरे लिए तो, और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि पैराग्राफ बेस नहीं थे तो उनको भी कर लिया, लेकिन सर जीए में मेरा काफी बुरा हाल रहा, लेकिन फिर भी ऑप्शन एनिमुलेट वाला पता नहीं किसने ही मेथड बताया था, मैंने फिर कान में याद रहा, तो मैंने उनको एलिमिनेट करने के बाद अटेम्प्ट किए, लेकिन जो एलिमिनेट भी नहीं हुए उनको मैंने साइड कर दिया, उनकी अब कुछ ही हो नहीं हो सकता उनका, काफी सही था, लेकिन सर थोड़ी गिल्टी भी है कि मेरे अप्रोक्स 45 क्वेश्चन करेक्ट थे, लेकिन इतना रिस्क लिया कि मैंने 45 मोर जो होते डाउटफुल क्वेश्चन उनको भी अटेम्प्ट किया, तो 90 अटेम्प्ट किए ट्वेल्थ। यस सर, तो इतना तो है कि जब मैं 45 मैंने 100% मेरे करेक्ट है और 45 मेरे डाउटफुल वाले हैं, तो ये मुझे ले डूबेगा। अच्छा, तुमने कहा कि चलो ठीक है आप तो आर या पार करो या मरो। यस सर, 45 थे उनके बहुत ही कम है, इतने में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो कैसे कैसे किए ऐसे अक्कड़ बक्कड़ जिसमें नो सेट नो बैठा सर, वो कर दिया? हाँ नहीं, जो 45 क्वेश्चन थे वो तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके किए हैं कि इनको ऑप्शन एलिमिनेट करो, आ रहा है बढ़िया है, नहीं भी आ रहा है उनको छोड़ो, तो 10 क्वेश्चन थे ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी नहीं हुए तो उनको तो फिर मैं कोशिश ट्राई ही नहीं किया, भगवान भला करे 10 क्वेश्चन होगा जिनको तुमने छोड़ दिया। नहीं हो ही नहीं रहते सर, तो क्या ही करती मैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी नहीं हुए तो छोड़ दिया, क्या ही कर सकती मैंने, ठीक है। और डीपी में मिर्च क्यों लगा रखा है इतना? सर। एक्चुअली ना वो अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत प्यारी सी, अच्छा तो नींबू भी लगा लेती साथ में, शुभ रहता, किसी नजर नहीं लगेगी। नहीं सर मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, नींबू मिर्च दोनों लगाओ। हाँ यस सर, ठीक है, हाँ फेयर इनफ। हाँ अच्छा चलिए ठीक है। यस प्रीति, कहाँ है यस प्रीति? सर, हेलो प्रीति। हाँ कैसा रहा पेपर गुड प्रीति इवनिंग आपका? गुड इवनिंग सर। प्रीति। अच्छा था कितना अटेम्प्ट की थी? सर, 77 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से अच्छा डाउटफुल
18 से 20 डाउट्स लग रहे हैं मुझे। अच्छा आपका मीडियम हिंदी है आई गेस। हाँ जी। अच्छा गीता और प्रीति आप लोगों का जब आंसर किया आएगा तो आप अपना पेपर एक बार भेजिएगा मेरे पास, क्योंकि इंग्लिश वाला तो मेरे पास आ जाता है, मुझे हिंदी वाला चेक करना है कि क्या वो सर। कहते हैं। ठीक है, जो आपका आंसर किया आएगा तो आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप हैंडल को खुद ही। ओके सर। और सर इसमें ना एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हिंदी में जो वो ऑप्शन थे ना उसमें एक ऑप्शन दे नहीं रखा था, जब हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसका एक ऑप्शन आया हमारे पास, तो फिर वो देख के करना पड़ा। बवाल सब डेली बैठती वेबसाइट पर थोड़ी ना, एग्जाम में भी होता है। हाँ हाँ जी, तो कि ट्रांसलेट देख के करना नहीं आता है वो। ये प्रॉब्लम भी थी कि इन्होंने जो पैराग्राफ दे रखे थे इतने लेंथी पैराग्राफ थे सर कि हम लोग को रीड करने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पूरा पैराग्राफ थे तो विजिबल नहीं था, माउस को पकड़ के रखो फिर स्क्रॉल डाउन करो स्क्रॉल अप करो, ये सब सर ये चीज भाई बहुत गंदी थी। ये ऑनलाइन एग्जाम का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पता है, इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये बात आप समझो। पता है यही अभी तुम आईपी का पेपर देने जाओगे ना, खूब बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन कर दिया वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो मान लो अंडरलाइन कर दिया कुछ कर दिया। पता है ऑनलाइन में बहुत बड़ा इशू, नीचे से ऐसे स्क्रॉल करो ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करो, तो यस सर कंप्यूटर ऐसे ही था। आपका हाथ नहीं साफ है कंप्यूटर पे, तो बहुत दिक्कत होगा, जिनका हाथ साफ है उनको दिक्कत होता है। वो तो है लेकिन फिर भी ना एटलीस्ट पैराग्राफ तो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए ताकि हम एक बार में पढ़ ले, लेकिन एक बार में पढ़ने वाला था ही नहीं, पूरे 5 मिनट तो उसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने में लग रहा है। पता नहीं क्या तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये लोग, अभी खुद नहीं समझ आ रहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं कि एक बार में रीड करके वो अलग से मार्क कर ले, बन सकता है सॉफ्टवेयर उसके बाद भी। सर ऐसा ना नेट में भी एक बार आया था जैसा पैराग्राफ आया है बेकार सा, ये तो लेफ्ट राइट करते करते मतलब 10 मिनट लग गया, आप कहते 5 मिनट में हो जाता है, मेरा तो सबसे ज्यादा पैराग्राफ की वजह से टाइम गया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मैनेज नहीं कर पाई, कर ली बट बेकार था सर। पहला पैराग्राफ शुरुआत ही गंदा था, 5 के 5 रद्दी क्वेश्चन और रद्दी क्वेश्चन के साथ रद्दी पैसेज, दिख ही नहीं रहा कुछ लेफ्ट राइट इधर उधर। तो मुझे याद आ गया आपकी बात कि आपने बोला था सबको क्लास में कि 5 नहीं 10 भी गलत हो सकते हैं, 20 भी बेकार होंगे, तो बोलो सबके खराब हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे याद आया सर, बहुत अच्छा लगा वो याद करके, थैंक गॉड। बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत गंदा था सर, मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे उसको पढ़ के कि इधर लेफ्ट राइट देख रही हूँ कहीं कुछ लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, मतलब क्वालिटी का पैराग्राफ भी समझ नहीं आ रहा है, वो इस तरह से लिखा है कि लेफ्ट राइट करते करते पूरा मतलब ही नहीं निकाल पा रहे हैं, गंदा था बहुत। मतलब 5 क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं 100 क्वेश्चन ऐसे ही है। फिर याद है, अरे नहीं सर ने कहा था कि 5 के ऊपर तुम जज मत करना, आगे बढ़ जाना, तो आगे बढ़ गए, ऐसा था। फिर सर मिक्स था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते कि आसान था, पेपर आसान नहीं बनाया था, अच्छा लेवल का पेपर बनाया था एंट्रेंस का, DU के जैसे लेवल बनाया इन्होंने, हर टाइप की चीजें पूछी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब में से दो तीन क्वेश्चन और बायो से भी उठाया उन्होंने, और ज्योग्राफी का भी था और करंट अफेयर भी था, सिर्फ एक चीज जो नहीं थी वो था फिजिक्स और केमिस्ट्री, पिछली बार केमिस्ट्री भी DU में आया था, तो बस ये नहीं था, और 25 सर आना ही था इंग्लिश, 25 क्वेश्चन इंग्लिश आना ही था, वो लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो 25 लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ही आएगा, तो वही आना था, वो तो सही दिया है उन्होंने, मेरे को तो कोई आश्चर्य नहीं थी मैं कि 25 क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी क्यों आया, मुझे पता था इंग्लिश और जीरो हिंदी फोर में है तो जो दोनों नहीं आता अटेम्प्ट है। करना होता है। इस बार तो मैं कई बार बोला हूँ कि वो जो पार्टी वाला एरिया आएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश देगा, हिंदी वाला हिंदी यस देगा। सर जो आपने बोला था वैसे ही था, और वहां लिखा भी है जो अपना सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि 25 आपका इंग्लिश ही रहेगा, और वो इंग्लिश में पूरा ग्रामर एंड पैसेज वैसेज मिला के होगा, तो 2 पैसेज आए थे और बाकी ग्रामर आया था, ग्रामर वैमर ठीक ठाक था, पैसेज बहुत गंदा था शुरुआत का, दूसरा पैसेज अच्छा था, इन्होंने बैलेंस बनाया था कि शुरू में बहुत गंदा दे देंगे तो देखते हैं बच्चे का दिमाग चलता है कि पहली आउट हो जाएगा, 5 क्वेश्चन देख के बोलेगा कि सब गंदा गंदा है सब ऊपर गंदा वाले है। ही तो सोच के नहीं बनाते हैं कि गंदा बनाया है, नहीं से सर ऐसा होता है, साइकोलॉजी टीचर हमेशा ऐसा पेपर बनाता है कि शुरू में DI डाल दो नेट में सड़ा सा और इसमें पैराग्राफ डाल दो, अक्सर ऐसा ही होता है कि टाइम कंज्यूम करवा लो बच्चों का, तो उनको बाद के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आता होता है, मेरी फ्रेंड का छूट गया पेपर बाद का क्योंकि उसने प्रैक्टिस कम करी थी, उसको आता था बाद के क्वेश्चन, उसके साथ ऐसा हुआ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है हम स्टूडेंट्स का कि ऐसा होता है हमारे साथ, बट सर दिस टाइम आई हैड मतलब प्लेड वेल। नहीं, बस बस ठीक है, चलिए पर ये नहीं ठीक है। कह सकते सर पेपर बहुत मतलब मैं नहीं कह सकती बहुत ही अच्छा, मैं 72 कर ली तो बहुत अच्छा कर ली, मैं ये कह सकती हूँ गलत भी होगा उसमें कुछ, पर एक्यूरेसी रखने की कोशिश की थी, जो एकदम ही नहीं आता था उसको मैंने देखा ही नहीं, 1 सेकंड में भगा दिया उस क्वेश्चन को, मुझे पूछेंगे तो याद भी नहीं है वो टॉपिक क्या था,
सर जीके ठीक ठाक आया था, पर करंट अफेयर वगैरह बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत मतलब मिक्स था। कह सकते हैं कि अगर थोड़ा लंबे समय से जीके पढ़ती होती तो बहुत अच्छे, मतलब ये 80 से ऊपर चला जाता क्वेश्चन, पर मैंने तो बहुत ही कम जीके पढ़ा है, बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है तो याद भी नहीं था सब कुछ। ठीक ठाक सही कर दिया जितना आता था। कुछ तो सर ऐसा था ना ऑप्शन से, मतलब जैसे चार ऑप्शन है तो आपने कुछ पढ़ा दिया, या कभी जीके का कुछ पढ़ा था उससे रिलेट करके आ गया, चिपको मूवमेंट आया है तो पता ही है कि चिपको मूवमेंट एनिमल पे नहीं है, तो उस तरह से ऑप्शन से बन गया था क्वेश्चन, तो इस तरह से भी थे। और मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं था सर, मैथ्स जो कि लोग कह रहे हैं 11वीं तक था तो एक आधा ही था जो, मतलब 11th 12th वाला टफ लेवल बोल सकते हैं, मुझे एक फॉर्मूला याद नहीं था तो मैंने नहीं किया। बाकी मेंसुरेशन का आया था, रेक्टेंगल रेक्टेंगल वो सब तो आसान आया था बहुत, कई क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करने पड़ते, देख के भी बन जाता है, वैसा भी था। तो इंसुलेशन क्वेश्चन में ना दो ओवरऑल ऑप्शन बैलेंस बनाया था मतलब पेपर। दो ऑप्शन थे सबसे दोनों अच्छी ही बात यही होती है अगर पेपर बैलेंस बनाओ, तो पेपर तो बैलेंस बना था, ना बहुत ओके टफ ओके था ना बहुत आसान था, एवरेज था, मॉडरेट पेपर था। ओके प्रियंका कृषिका ओके यस कमिंग टू अंजुम यस अंजुम सर देन एक चीज, हाँ सर एक चीज सर, यस इसमें कृषिका क्वेश्चन में ना मतलब दोनों दो ऑप्शन सेम ही दे रखे थे, तो उसका क्या होगा? वही डेली वेट्स वाले करते हैं ये भाई लूप सर, इंटरव्यू उसका उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने पर वो डीएम सीएम अलग अलग था। अरे ये देखो ये सब होता है, देखिए जानते हैं सुनिए, जब आप चार जगह मॉक दे लोगे पेपर दे लोगे तो मैं क्यों कहता था जैसे डेली बेसिस पर होता चाहिए होता, वो कितना भी परफेक्ट बनाओगे ना दो चार क्वेश्चन डिस्प्यूट रहेगा, दो चार रहे तो बड़ी किस्मत वाले हो कि दो ही तीन क्वेश्चन डिस्प्यूट हो, ये तो ऐसा ऐसा पेपर आया 10 10 20 20 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल रहता है, और टाइम का तो कोई माई बाप ही नहीं है भाई, हम डिस्प्यूटेबल वाले क्वेश्चन में उलझ गए, मान लो हमारा 5 की जगह 10 मिनट लगा उसका, उससे हमसे तो किसी ने पूछा नहीं कि आप क्यों उस पर उलझे हुए थे, तो ये सब भी होता है। तो पता है पेपर ऊपर जब आदमी देने जाता है तो बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है कि तुमको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा, ऑप्शन रिपीटेड मिलेगा, इंग्लिश नहीं है हिंदी नहीं है, तो यार ये सब पे पेपर पे आपको पता चलेगा कि आप अपना नॉलेज मतलब आपका साइकी भी टेस्ट होता है। अब जैसे जामिया का पेपर था 5 5 6 6 क्वेश्चन पॉलिटी का डिस्प्यूटेबल है, गलत दे रखा है आंसर, ठीक है अब है तो है, तुम अपना काम करो ठीक है, आयोग अपना काम करेगा ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे आते हैं जैसे हम ही लोग आते हैं वेबसाइट पे, सर ये PYQ वाले में सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो सब फिर से भाई मॉक वॉक दोगे सब बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, बस जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब PYQ और ये सब इतना पेपर ऊपर दे रहे हो सब में बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम में सब होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, आश्चर्य तो तब हो रहा है तुमको नहीं पता है कि ऐसा होता है, आश्चर्य इस बात का है ठीक है, अदरवाइज यूजुअली ये सब एग्जाम एग्जाम में होता है। बैंकिंग का पेपर छोड़ के IBPS का पेपर छोड़ के बाकी का सब कोई भी एग्जाम एग्जाम दोगे ये पैसेज उसे ऐसे ही स्क्रॉल करके बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ठीक है, और छोड़ो पैसेज खूब लंबा रहेगा पेन से मार्क भी नहीं कर सकते हैं उसमें, भाई पढ़ते पढ़ते आदमी खो जाता है ठीक है, तो ये सब भी चीजें ये सब बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। खैर चलिए कमिंग टू अंजुम हाँ ये संबंधित मतलब इसी में मतलब मुझे एक इंग्लिश में भी दिखा था, मतलब वो वर्ड रीड कर रहा था ना, मतलब लाइन थी ग्रामर का था, तो मुझे मतलब सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं, मतलब अब शायद पता नहीं मेरी इंग्लिश इतनी खराब है या फिर मतलब सेंटेंस का कुछ मीनिंग सही नहीं बन रहा था, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन का क्या होगा, नंबर सबको मिलेंगे या क्वेश्चन हटा दिया जाएगा? अगर जेन्युइनली डिस्प्यूटेबल होगा कि मीनिंग ना बने, जेन्युइनली डिस्प्यूटेबल होगा तो बोनस कर दिया जाएगा, सबको मार्क्स दे दिया जाएगा जितने लोग अटेम्प्ट किए होंगे, अटेम्प्ट किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोनस कर दिया जाएगा सबको ठीक है, मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे डाउट लग रहा है तो अटेम्प्ट करूं तभी मन नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो नहीं नहीं सबको बोनस कर दिया जाएगा, मैंने से छोड़ दिया अभी। मतलब नहीं ठीक किया गुड इवनिंग ये ना सर, हो मतलब मेरी इंग्लिश ही खराब है। यस यस अंजुम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंजुम जी बताइए। हाँ आज पेपर था ठीक गया, तो कितना अटेम्प्ट की? 77 अटेम्प्ट किया सर, अच्छा तो हिंदी मीडियम से आप नहीं सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में, तो कुछ मिस्टेक उस्टेक क्या 77 कितना लग रहा गलत उलत की हो? हाँ सर, हो सकता है फर्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सर मैंने, और बाकी में और सेकंड पार्ट में रेस्ट जो बच गए 56 आई थिंक। अच्छा 56 अटेम्प्ट किए हो, जी अच्छा, नहीं ठीक है फेयर इनफ, तो क्या लग रहा है 60% क्वेश्चन सही हुआ तो सर सेलेक्शन हो जाएगा आपका?
पता नहीं सर, मतलब मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़े हैं जिनका ना मैंने कोई क्वेश्चन सुना था ना ऑप्शन सुने, बाकी जो सुने हैं उनको लगाया। ठीक है, 303 वाले सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है सर? क्या हो गया शिवाजी? 03 वाले से सब मतलब उधर 4, 5, 6, 7 में DU, BHU सब बोलता है ना सर, 03 वाले में सबसे अच्छा कौन सा सर? 03 वाले में सबसे ज्यादा क्या है? कॉलेज सर, कॉलेज कौन? अच्छा कॉलेज, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, हमको लगा कहीं तो आयो, मैं सोचा कहीं ड्रंक रंग तो नहीं हो। सर सबसे पहले शीट मिलते हैं ना, मैंने ABCD लिख ली थी, उसमें पर नंबर भी लिख लिए थे, पर पेपर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, लिख ली थी अपने साइड से सावधानी से, दुर्घटना से सावधानी वाली बेटर है। ठीक है, मैथ्स अच्छा था सर, साइंस भी कर लिए थे। अच्छा, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे तो मैंने नहीं किए सर। नहीं किया, रूरल 77 आते थे सारे तो वो कर लिए थे। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। यस शिवाशीष, कितना किया है, कैसा रहा पेपर आपका? सर आप तो 60 में अच्छा बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि ज्यादा मेरा हो गया क्या, 65 मेरा सही लग रहा है, 79 किए हैं। अब कितना सही लग रहा है तुम कैसे जज कर रहे हो, तुम कितना अटेम्प्ट किए ये बताओ। 79 किए हैं। 79 किए हो, अच्छा हाँ, अब तुम कितना सही लग रहा है? लग ज्यादा गलत नहीं किए सर, 7, 8, 10 होगा। तो यार तुम तो 70 प्लस सही कर रहे हो फिर। वही तो हमको आश्चर्य करके लग रहा है सर, आप जब 60 प्लस को बढ़िया बोल रहे हैं तो आश्चर्य किस बात हो रहा है कि तुम इंटेलिजेंट हो या बाकी के कमजोर है? हम तो इंटेलिजेंट ठीक मतलब पता नहीं सर। तुमको नहीं पता किस बात पे आश्चर्य हो रहा है? नहीं चलिए ठीक है शिवाशीष, गुड, अच्छा स्कोर है। और अगर ऐसा है तो अगर मान लो 65 या 60 प्लस सिलेक्शन हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कौन से आश्चर्य की बात है इसमें? आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम कब कम बता रहे, सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ अच्छी बात है। तो 11, 12 मैथ साइंस का पूरा भर भर के दिया था सर, तो वो सब बन गया एकदम। बस 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 ठीक है फिर, और क्या। ठीक है, और कैसा है बिहार आपका? बिहार नहीं सर, झारखंड। झारखंड, हाँ झारखंड में कहाँ से हैं आप? रांची सर। अच्छा रांची से हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। रांची में कहाँ से? मधुकम रातू रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से। अच्छा ठीक है ठीक है, घर के पास नहीं है सर, थोड़ा सा दूर है। कहाँ पर, किसके घर के पास नहीं है? धोनी का घर के पास नहीं है, थोड़ा दूर है। अच्छा अच्छा, थोड़ा धोनी घर थोड़ा दूर है। नहीं चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, धोनी की खुशकिस्मती है। लैंडमार्क वही बताना पड़ता है ना सर, और क्या से आप जानिएगा, मधुकम से नहीं ना जान। नहीं सही बात है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी तो है, वो भी तो लैंडमार्क हो सकता है। नहीं वो बाद में बना है। अच्छा बाद में बना है, अच्छा ठीक है, धोनी का घर पहले आया था, सही बात है। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, फेयर एनफ। कमिंग टू दीक्षा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीक्षा, कैसा रहा पेपर आपका? तो ठीक था, मतलब मैंने 79 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। पार्ट ए से तो मतलब मैंने दो ही छोड़े थे, मतलब दो ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आए, बाकी क्वेश्चंस मुझे आते थे, मतलब समझ आ गए थे। एंड रेस्ट फिर बाकी पार्ट बी से तो मतलब ठीक था पेपर, बट हाँ थोड़ा मैथ्स का जो 11, 12 का आया था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मैथ्स नहीं था 11, 12 में। सो बाकी ओवरऑल ठीक था सर पेपर। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट लाइक इंग्लिश वाले सेक्शन में, कितना मतलब कुछ दिक्कत परेशानी बाकी का लैंग्वेज या ग्रामर में? नहीं सर, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस थे, मतलब सही थे क्वेश्चंस ओवरऑल ना, इंग्लिश में भी पैसेज ही थे सबसे ज्यादा, तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में भी उन्होंने इंग्लिश का पैसेज ही दे रखा था, उसी के बेस पे क्वेश्चंस थे, मतलब हो गए थे क्वेश्चंस। ऐसे इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं आया कंपैरेटिवली, बट मैथ्स में बस 11, 12 वाले क्वेश्चंस में ना, और थोड़ा वो जीके के जो मतलब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे, जो डेट वगैरह वाले थे, वो मैंने छोड़े हैं। चलिए ठीक है, 79 अटेम्प्ट किए हो। यस सर। चलिए 10-15% गलत होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके दीक्षा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, देन आई विल कम टू दीप्ति। नो सर, थैंक यू। ओके दीक्षा, गॉड ब्लेस यू। यस दीप्ति,
हाँ यस यू आशीष, सर 12 तारीख को सर जो 04 वाला पेपर है सर उसके लिए अलग से सेशन नहीं है सर कि अभी कुछ बताएंगे? अब जब 10 तारीख बीत जाएगा तो 12 पे बात करेंगे, ठीक थैंक यू। है? बाकी सोशल साइंस पढ़ते रहिए और क्या। हाँ यस दीप्ति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीप्ति जी, बताइए कैसा रहा, कितना अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया, कैसा रहा पेपर? 79 अटेम्प्ट किए सर मैंने। पेपर अच्छा था सर, तो क्या लग रहा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर ये तो पता नहीं अभी, पर पेपर तो ठीक है सर मेरा। और पार्ट ए के लिए सर मुझे तो पता था कि इंग्लिश आएगी, क्योंकि दिल्ली बाइट्स पे जो COQP03 के मॉक टेस्ट है ना सर, वो सारे ही पार्ट ए पूरा उसमें इंग्लिश में है, और अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो एकदम हिंदी वाले क्वेश्चन में स्विच हो जाता है कि इसमें कारक क्या है ये सब, तो उससे बड़ी हेल्प मिली कि इतने इंग्लिश के क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी फिर सर मतलब बायो से थे कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और सर सेल डिवीजन पे क्वेश्चंस थे, मैम ने पढ़ा रखे थे रिमझिम मैम ने, और जो मतलब हिस्ट्री वगैरह से सर वो मैच द फॉलोइंग में आए थे कि भीमराव अम्बेडकर जी की पार्टी कौन सी होती है ये सब। और करंट अफेयर में सर जिसने बहुत पहले से पढ़ा होगा उसको हुआ थोड़ा हेल्प कि टोक्यो में ओलंपिक गेम हुए थे तो उसमें कौन आया था गोल्ड मेडलिस्ट ये सब ऐसे करके। और मैथ्स तो सर मैंने नहीं करी, मुझे टफ लगी काफी। तो फिर 11th सेवन क्वेश्चन टेन कैसे की हो? सर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किए जितने थे, और इंग्लिश के पार्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े, और बाकी सब किया सर जनरल अवेयरनेस के लिए, बस मैथ्स के नहीं किए, मुश्किल से 1 क्वेश्चन किया मैथ्स के, 4 क्वेश्चन थे सर, 4 या 5, वो भी सर वो जो 11th 12th के थे ना वो वाले छोड़ दिए थे। यस सर चलिए ठीक है, फेयर इनफ, गुड। ओके ओके, कमिंग टू ओमिका देन निशा। यस ओमिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओमिका जी, बताइए। सर पेपर तो ओवरऑल मतलब ठीक ठाक आया था, मैंने 75 अटेम्प्ट किए, और सर एक चीज तो ये हो गई कि मैंने मतलब एंट्री सेंटर में एंट्री करते थे, ये कैसे पर्सन से हुआ, लाइक वो स्टूडेंट, तो मैंने उससे पूछा ऐसे, उसने मुझसे पूछा कि कौन से पेडागोजी से, तो मैंने बताया, तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला इंग्लिश थे, मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर बोले कि मैंने बोला कि मैंने स्पेशल बी एड के लिए किया है, तो फिर उसने यही क्वेश्चन पूछा, आप बोल रहे थे कि मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं है कि स्पेशल बी एड का क्या है, दैट टाइम तो मुझे लगा चलो ठीक है इसने इंग्लिश से किया है, मैंने 03 क्यों, फिर मैंने उस पर ठीक है मैं अपने पेपर पे फोकस करती हूँ। देन फिर सर पेपर का ओवरऑल सर मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि जिसकी इंग्लिश पे वॉकेब अच्छी है उसके लिए पेपर बहुत बेनिफिशियल रहा है, नहीं तो ये तो पहले से ही क्लियर है ना कि पार्टी, जैसे मान लो इंग्लिश आएगा क्या आएगा, मैं समझ नहीं पा रहा उसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ है, तो ये तो सेक्शन आएगा ही, ये तो क्लियर है, और हिंदी वाला हिंदी कर रहा होगा, आप अपना लैंग्वेज आपने चूज किया होगा ना। हाँ सर इंग्लिश थी तो वो क्वेश्चन सर वही फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा था, और बाकी सर अदर जो 75 क्वेश्चन थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे, कि मतलब क्वेश्चन वही था सिंपल, लेकिन उसको इतना घुमा के स्टेटमेंट में कि ए और ऑप्शन करेक्ट, तो उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों स्टेटमेंट दे दिए, हाँ, तो और उसमें डीयू में भी पुराने समय में स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आता था, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आता था डीयू में पहले भी, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड ही देखने के लिए मिलता था डीयू में पहले, ठीक है। बाकी करंट अफेयर जिसने बाकी लोगों ने बताया वैसा ही कि जिसने काफी तो टोटल बताया, कितने अटेम्प्ट किए भूमिका? सर मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी सर सही तो अभी समय से मतलब नहीं, सर चलिए हाँ ठीक, इंग्लिश सेक्शन तो सही किया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, फेयर इनफ, चलिए ठीक है, गुड ओमेगा। अच्छा कमिंग टू निशा, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग निशा जी, बताइए कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो सर मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था। सर मैंने 75 किए हैं, उसमें से सर 15 से सर 17 तो गलती होंगी। अच्छा 75 अटेम्प्ट किया आपने। जैसे अच्छा ठीक है, कुछ और ऐड करना चाहेंगी पेपर के रिगार्डिंग? सर जैसे डीयू का जो पिछले साल पैटर्न था ना सीक्वेंस वाइज जो दे रखा था सर वैसे ही आया था पेपर, और पेपर क्लियर, पैराग्राफ सर मेरे को आइडिया नहीं था कि जो पार्ट ए में है उसमें पैराग्राफ जैसे हिंदी लैंग्वेज, जैसे मेरा हिंदी लैंग्वेज है तो उसके हिसाब से आएगा, मैं तो सर सोच रही थी कि 25 मिक्सअप आएगा सब कुछ, वो नहीं था सर। तो अच्छा, तो सर आपको तो अच्छा था एडवांटेज हिंदी मिला में होगा सही था। इसका, हिंदी में तो आपने ठीक ठाक कर लिया होगा फिर। यस सर 2 क्वेश्चन छोड़े हैं खाली बस। चलिए ठीक है, फेयर इनफ, ओके। थैंक यू एक सर। था आपसे बात हो गई, यस निशा, गॉड ब्लेस यू निशा। एक था,
ओके चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। देखिए CUQP03 का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट जो DU का अब तक पेपर होते आया है, जिसका पुराने वाले पेपर को लेकर समझ अच्छी रही होगी ना, तो वो इसको इजीली मैनेज कर पाएगा, क्योंकि यार CUQP03 के पेपर में तुम समझ पा रहे होगे कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे कोई कह रहा है सर 11 12th के लेवल में मैथ पूछ दिया, साइंस में कुछ पूछ दिया, चार क्वेश्चन, ठीक है, तो लेवल आपको ये देखने के लिए मिलेगा। CUQP03 का पेपर इज लाइक टोटली, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि वो पुराने वाले DU के पेपर के पैटर्न के फॉर्मेट पे चल रहा है एकदम, उसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, और पुराना पेपर पैटर्न पे आपका कमांड रहा होगा तो आप इसको ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। और लास्टली अगर आप मान के चलो कि मोटी मोटा अगर 60-65% क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के, ठीक है, नहीं केवल 65 सही है तो 14 तुमको गलत करने का राइट मिल गया, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के अगर 60-65% क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं तो आप ठीक ठाक कॉम्पिटिशन में हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर CUQP03 पर बहुत ज्यादा बात करना जायज नहीं है, क्योंकि CUQP03 का मतलब कॉमर्स, पंजाबी, होम साइंस, ये सब, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और DU और BHU तो CUQP04, 05, 06, 07 पे मैटर करेगा। यहाँ पर पेपर पैटर्न CUQP03 से थोड़ा सा अलग है, कि पैडागोजी के हिसाब से आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है। अभी आप लोग अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, जब तक सारा पेपर कंप्लीट ना हो जाए एकदम, जिस फॉर्मेट पर जो सारा कुछ चल रहा है उस पर कर मत लो। और यहाँ पर एक चीज हमको ये भी सीखने के लिए मिलती है कि देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश का सेक्शन अच्छा नहीं है, डिवॉइड ऑफ दैट कि वो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने खुद चूज किया है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारा मीडियम इंग्लिश है दैट डजंट मीन कि तुमको इंग्लिश आती है, ठीक है, अदरवाइज आपका इंग्लिश तो हमेशा इतना प्रिपेयर होना चाहिए 25 में 17-18 तो तुम ऐसे ही करो, मतलब 15-16 तो तुम ऐसे भी कर सको यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उस लेवल का एक प्रिपरेशन रहना चाहिए बुनियादी तौर पर। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा चिंता की जगह चिंतन करने की जरूरत है कि यार अगर इंग्लिश में हम इंग्लिश मीडियम के होके हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आपको देखने की जरूरत है कि हाँ कैसे हम 25 में हम इस हिसाब से प्रिपेयर रहे हैं कि पेपर में थोड़ा सा भी ऊंच नीचे हो तो हम आसानी से मैनेज कर पाए, ठीक है। और CUQP03 में मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, और स्पेशल एजुकेशन वगैरह CUQP03 से डिसाइड होगा, तो 60-65% क्वेश्चन आप सही करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी आप लोगों के सिलेक्शन की। बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से अपडेट रहेगा कि कैसे वो एडमिशन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस पर टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे बहुत सारे मीट होते रहेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, करते रहिए, जस्ट गिव योर बेस्ट, और देखो मतलब मोटिवेशन स्पिरिट एकदम हाई रखो, जब तक पेपर खत्म ना हो जाए तब जाके आप एकदम सेल्फ इवेल्युएट करिए, सेल्फ चिंतन करिए कि कैसे कहाँ पर हैं, क्या है क्या नहीं है, बिना ये देखे कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगला कितना अटेम्प्ट किया है, तुम कितना अटेम्प्ट किया, तो अपना सेक्टर देखो मुझे कितना करना है, क्या करना है, और हम कितना कर पा रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश है, अगर आप हिंदी मीडियम के हिंदी में नहीं कर पा रहे हो तो तुम देखो कि आगे तुमको बहुत सारा ऐसा एग्जाम देना होगा जहाँ हिंदी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, वो हम कैसे इंप्रूव करें, तो ये सब तरीके से सोचिए। बाकी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो कुछ कंसर्न है, डेली बाइट्स और मेरा गाइडेंस आप लोग का अवेलेबल रहेगा, जब भी रिक्वायर्ड होगा आप लोगों का सेशन और मीट करके मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। फिलहाल अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम है, बीट, PGQP 4, 6, 7 या किसी का 5 रह गया है, या फिर IP के पेपर है, उस पर पूरा फुल टू फोकस लगाइए, और किसी का नेट का भी पेपर है उस पर भी फुल टू फोकस लगाइए, क्योंकि जब चीजें होती हैं तो ऐसे ही होती हैं, बैक टू बैक होता है। सर मुझे कुछ कहना है। एक सेकंड का, तो आदमी को उसमें सोचने के लिए फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है, तो जब चीजें होंगी तो इसी तरह बैक टू बैक होता है, तो उस हिसाब से आप सोचिए और करिए, मोटिवेशन एकदम हाई रखिए, एंड जस्ट बी व्हाट यू आर। अगर आपका लेवल 100 में 80 क्वेश्चन का है तो फिर 79 नहीं होना चाहिए, फिर तो 80 रहना चाहिए, 81 चाहे हो जाए, तो ये एक अप्रोच रखिए और उतना पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। व्हेन थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है, तो इतना कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड बेस्ट विशेस। जिनको भी कुछ इशू है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू सर। थैंक यू निशा। थैंक यू। ऐसा चाहिए एक छोटा सा, मतलब यही मतलब मेरा ना, मतलब लास्ट में कुछ 38 मिनट बच गए थे, मतलब अभी मतलब जितने आते थे वो कर लिए और जो नहीं आते थे वो अलग कर लिए, मतलब जो थोड़े डाउटफुल वाले थे 12-13 वो छोड़ के मतलब रिव्यू करने थे,
तो 38 मिनट कुछ बच गए। तो मैं पूछ रहा था कि मतलब बाकी मतलब जैसे 07 वाला जो साइंस वाला होगा या आईपी वाला होगा, उसमें भी मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही रहेगा? टाइम बचेगा, बिल्कुल हाँ मतलब ऐसे बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, नहीं मतलब नहीं कोई चिंता का विषय नहीं यार, घंटे घंटे और बचते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। मतलब वो कुछ 22-25 मिनट मुझे बाद में लगे थे कि मैं थोड़ा, क्योंकि वही थे जिन्हें मुझे सोचना था, बाकी तो वो कोई कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। अगर आप जल्दी फास्ट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बताऊं, बहुत पहले मैं एक बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें 1.5 घंटे का पेपर होता था, 50 क्वेश्चन इंग्लिश का आता था और 50 है जनरल अवेयरनेस का रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसमें सेलेक्ट भी हुआ था, 1.5 घंटे का था, 25 मिनट में करके बैठ गए थे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का था, साठ साठ पढ़ते जा रहे थे, देख के पता चल रहा था भाई आता है नहीं आता है। तो 50 क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट मेरे लिए बहुत था। कैसे हुई? लेकिन मतलब जैसे क्वेश्चन थे, मतलब मुझे पता था कि आता है तो आता ही हाँ होगा, हाँ नहीं आता तो फिर कुछ नहीं पढ़ क्योंकि सकता बहुत था। आश्चर्य की बात नहीं है, सिलेक्शन भी हो तो टाइम भी बचा हुआ था, बहुत लोग घंटे घंटे भी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसा इस बात पे कोई बहुत चिंता का विषय नहीं कि टाइम बचा था नहीं बचा था क्या था। ठीक है, नहीं मतलब ऐसा ना हो ना कि मतलब अभी बच रहा है तो बाकी आने वाले पेपर्स में ऐसा हो जाए कि मैं से फिर नहीं आराम नहीं से नहीं कुछ दो हमेशा पेपर नहीं दे देंगे। बचेगा। हाँ वही, देखो टाइम किस पेपर में नहीं बचता, जिस पेपर में मैथ वैथ का क्वेश्चन ज्यादा क्लिष्ट रहता, 10 ही ढंग का मैथ का क्वेश्चन डाल देगा ना, टाइम नहीं बचेगा तुम्हारा। इसमें तो मुश्किल से 7 से 8 थे, वो भी मतलब ऐसे कोई बहुत मुश्किल वाले नहीं थे, हाँ फॉर्मुला बेस्ड थे। 10 क्वेश्चन ढंग का डाल देगा तो आप फंसने लोगे। हाँ चलिए ठीक है, शुभरात्रि ऑल ऑफ यू। यस दीप्ति कृषिका कुछ कह रही हैं आप लोग? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आज जो था CUQP 03, वो मैंने स्पेशल बीएड के लिए दिया, तो वहां भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला देखने को, तो कैसे आईपीयू बीएड में भी होगा? स्पेशल बीएड में वहां भी नहीं आएगा मतलब स्पेशल से कोई क्वेश्चन? आईपी में आपको 5-7 क्वेश्चन स्पेशल वाले में देखने के लिए मिलेगा, स्पेशल से डीयू में स्पेशल से नहीं देखने के लिए मिलेगा, पहले से क्लियर है। ओके सर। और सर मतलब आपने सर वीडियो बना रखी थी कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस, तो सर ऐसे स्पेशल बीएड नहीं सर, मैंने ढूंढी भी थी मतलब। तो स्पेशल वाले में तो डीयू का जो दो कॉलेज है दोनों में अलग अलग पढ़ाई होती है, नहीं नहीं सर, मैं आईपीयू बीएड वाले के लिए पूछ रही हूँ सर। आईपी में तो चारों कॉलेज में अलग अलग तरह का डिसेबिलिटी पर वो पढ़ाते हैं, हाँ सर तो कोई वो बेस्ट और नॉट बेस्ट वाली बात ही नहीं है, ओके सर, फिर ठीक है सर। चारों जगह चार अलग अलग डिसेबिलिटीज पे कवर ओके करते सर। हैं। ठीक है ओके दीप्ति कृषिका। सर मैंने RI का फॉर्म भरा था लास्ट डेट से 1 दिन पहले, तो आपने उसमें बोला हुआ था ना कि अगर पेमेंट ना हो तो वापस वापस नहीं करना है, तो मेरा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। नहीं, इवन उनको इन्फॉर्म भी करा तो उन्होंने कहा वेट करो 24 आवर्स का, और तो आज 3 या 4 दिन हो गया तो अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आया, तो इसका मेरे को क्या पैसा करना दे दी हो चाहिए? ना, हाँ जी, बस ठीक है। और थोड़ा सा इसके लिए गाइडेंस भी चाहिए होगी, अभी नहीं आईपी के पेपर की हाँ बात हाँ भी पहले आपने आईपी ये भी दे दो, बोला। फिर उससे बात करते हैं। ठीक, पहले मुक्ति हाँ पा जी लीजिए इन हाँ सबसे, सीयूईटी जी से फिर उससे बात करते हैं। ठीक है हाँ जी ठीक है हाँ यस ओके सर। ओके कृषिका। हाँ यस प्रियंका कुछ आप ऐड कर रही हैं? नहीं सर, मैं तो बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, बस 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 क्योंकि सर 12 12 का जो सोशल साइंस है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इकोनॉमिक्स कर लिया है, और मैंने सिलेक्टिव कल तक वो भी पढ़ लिया था हिस्ट्री, और मैंने ज्योग्राफी भी गिनती के कुछ चीजें देखी है, अब मैं नहीं पढ़ रही सर, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट मुझे अब बस नेट अब पे आराम फोकस करिए करना फिर। चाहिए, क्योंकि ठीक है मेरा नेट भी सर अगले ही दिन है, 12 और 13 ऐसे है, 12 को भी एग्जाम, 13 को भी, तो फिर अब